Hello students, welcome back to VKS Academy and hope you are preparing and doing your revision well for your upcoming CAPF first in command and exam. तो आज का टॉपिक रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेपर टू फर्स्ट तीन क्वेश्चन के जो है फॉर्मेट क्या होते हैं. ठीक है, काफी लोग को पता होगा लेकिन जिनको पता नहीं है तो जरूर ये वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा और इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले, जैसे कि आपको इंडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, ये फॉर्मेट्स में आपको कैसा अप्रोच होना चाहिए, पूरा हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं. इज इट क्लियर? देखो फर्स्ट पेपर टू में फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस देखोगे तो फर्स्ट आपका एसे रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन विल बी योर एसे. एसे टोटल सिक्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे. आउट ऑफ सिक्स यू हैव टू अटेम्प्ट फोर. फोर आपको जो है अटेम्प्ट करना है, 300 वर्ड लिमिट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आर्गुमेंट राइटिंग. आर्गुमेंट में आपको टू क्वेश्चन दिए जाएंगे. टू क्वेश्चन विल बी गिवन, नो चॉइस, वर्ड लिमिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, मतलब पॉइंट्स यहाँ पे आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जो है कोई वर्ड लिमिट आपको नहीं दिया जाएगा. लेकिन थ्री साइड्स मतलब थ्री पेपर्स आपको मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है आपका जो है आर्गुमेंट फ्रेम कर सकते हो. नेक्स्ट हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग आपको टू रिपोर्ट्स विल बी गिवन, नो चॉइस, 200 वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट है आपका यहाँ पे 200. ओके, चलो अभी फॉर्मेट देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका एसे. एसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, नेक्स्ट फाइनली कंक्लूजन होना चाहिए. ये आपका जो है एक परफेक्ट फॉर्मेट रहेगा. लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है भी आपको पता होना चाहिए. जैसा कि इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपको मिनिमम 50 वर्ड से लेके मैक्सिमम 70 वर्ड्स तक जो है आप जो है इंट्रोडक्शन बना सकते हो. So you can write introduction in minimum 50 to maximum 70 words. Is it clear? So हमने ऐसे भी लोग को देखते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनको पता नहीं है, तो इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, वो लोग 100-150 वर्ड्स पे लिख देते हैं. सो अगर आप पूरा वहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहे हो तो देन देर इज नो मीनिंग. इंट्रोडक्शन का मीनिंग नहीं है, तो वो बॉडी बॉडी बन गया आपका. तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक सस्पेंस क्रिएट करना है कि आप अपकमिंग बॉडी में आप क्या लिखना चाहते हो, उनको एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए. ठीक है, इफ पॉसिबल यहाँ पे जो है कोट्स इंक्लूड करें, इफ पॉसिबल प्लीज इंक्लूड अ फेमस कोट. ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंस क्रिएट करना है आपको, डू नॉट रिवील एनी एवरीथिंग इन द इंट्रोडक्शन. ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन में. नेक्स्ट बॉडी में देखोगे तो बॉडी आपका 150 से लेके 180 वर्ड्स तक होना चाहिए. ठीक है, तो ये आपका मिनिमम वर्ड लिमिट आपको मेंटेन करना है 150 से लेके 180 तक. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो है आपको अंडरलाइन करना है, जो आप फील करते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, की ऑफ द पर्टिकुलर सेंटेंस, तो वो आपको जो है यहाँ पे अंडरलाइन करना है. अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो मतलब इट शोज कॉन्फिडेंस. जब आपको कॉन्फिडेंस है तभी आप अंडरलाइन करते हो. इज इट क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे जो है आप डायग्राम्स भी बना सकते हो, 2D डायग्राम, जैसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो डायग्राम्स आप बना सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपको आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना है. समझ लो मैं आपको जो है इंडिया इसराइल के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, या इंडिया श्रीलंका के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आपको इंडिया श्रीलंका लिखना चाहिए, लेकिन दूसरा कोई इंडिया यूएसए या इंडिया जापान आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है. टोटली आपको वो टॉपिक के अंदर ही आपको घूमना है, लेकिन टॉपिक से आपको बाहर नहीं आना चाहिए. इज इट क्लियर? आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉडी. ऐसे में बॉडी जो है कभी भी आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तभी आप पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही कम, 99% आपको क्वेश्चन डिमांड नहीं करेगा. अगर आपको क्वेश्चन डिमांड करता है तब आप जो है पॉइंट वाइज जो है आपका आपको जो जो भी एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो. इज इट क्लियर? कंक्लूजन में आपको ओपिनियन देना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है. ठीक है, क्रिटिसाइज मत करो कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसीज हो या स्कीम्स हो, जो भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए. ठीक है, बस क्या है कि आप यहाँ पे देखो, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जैसा कंक्लूजन आप जो है सूटेबल कोट्स, मतलब कोट्स फेमस कोट्स से भी जो है आप एंड कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, आप देख के नोट भी कर सकते हो. इज इट क्लियर? सो ये हो गया आपका एसे राइटिंग का जो फॉर्मेट है और अप्रोच क्या होना चाहिए. नेक्स्ट मेन मेन गाइडलाइंस देख लो, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, स्ट्राइक आपको ज्यादा बार नहीं करना, एक बार स्ट्राइक करो काफी है. ठीक है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ चेक कर सकते हो. नेक्स्ट प्रेजेंट इट नीटली. आपका हैंडराइटिंग जो भी है चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेजेंट तो आप एटलीस्ट नीट से कर सकते हो. नेक्स्ट अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है,
और नेक्स्ट जो है ऐसे स्टार्ट करने से पहले पहले आप जो है एक रफ ड्राफ्ट बना लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे में आपको फर्स्ट पैरा में आपको क्या लिखना है, नेक्स्ट पैरा में एक सीक्वेंस पहले बना लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। इज इट क्लियर? स्टिक टू द वर्ड लिमिट्स। देखो कि 250 से लेके 270 वर्ड तक आपका जो है ऐसे खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक लाइन का गैप दो, देन कंटिन्यू विद द मेन बॉडी। मेन बॉडी पूरा खत्म हो गया, देन कंटिन्यू विद द कंक्लूजन, ठीक है। मेन बॉडी में टू मेनी पैराग्राफ्स नहीं होना चाहिए, 2 to 3 मैक्सिमम पैराग्राफ्स, ठीक है। थोड़े ऐसे भी लोग होते हैं 3 4 लाइन में पैरा बना देते हैं, मेन बॉडी उनका 5 6 ऐसा पैरा बन जाता है, तो ये ऐसा नहीं करना। सो इट बिकम्स पॉइंट वाइज, तो आपको जो है 2 to 3 पैराग्राफ्स में जो है पूरा एक्सप्लेन कर देना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आपका आर्गुमेंट राइटिंग। सो देखने से पहले मैं आपको मैं एक सैंपल ऐसे भी दिखा दूंगा, वेट। नेक्स्ट देखो, एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, ठीक है। सो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब ये हो गया आपका रफ ड्राफ्ट। नेक्स्ट जो है इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे हमने एक फेमस कोट इंक्लूड कर दिया है इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट हो गया आपका मेन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका कंक्लूजन। इज इट क्लियर? सो ऐसा आपका जो है फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो हम मैं दिखा रहा हूँ ये आपका पेपर टू बुक है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ऑर्गुमेंट राइटिंग। ऑर्गुमेंट राइटिंग में आपको बताया था 2 questions आपको दिया जाएगा, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 marks। देखो इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ब्रीफ, काफी ब्रीफ छोटा इंट्रोडक्शन आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो है बॉडी में आपको क्या लिखना है, बॉडी बॉडी आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट है फेवर टू द स्टेटमेंट, मतलब फॉर द स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसका फेवर में एक, अगेंस्ट में एक जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। फेवर में आपको 5 पॉइंट लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लिखना है, लिखना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट मतलब एक लाइन पे लिख दो, ऐसा नहीं। पॉइंट लिख रहा हूँ मतलब उसको जस्टिफाई भी करना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगेंस्ट, अगेंस्ट भी आपको 5 पॉइंट लिखना है। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, देखो फेवर आ गया, फेवर में 5 पॉइंट लिख देंगे, अगेंस्ट में 2 3 पॉइंट लिखना, ऐसा नहीं करना है। आर्गुमेंट मतलब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको बोथ फॉर और अगेंस्ट आपको आर्ग्यू करना है, बोथ स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। क्लियर? नेक्स्ट फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन बस 1 या 2 लाइन पे आपको फिनिश कर देना है। आपका ओपिनियन क्या है, आप फॉर में हो या अगेंस्ट में हो या आप न्यूट्रल में हो, आपको फाइनली कंक्लूजन में दे देना। मैं आपको एक सैंपल भी दिखा दूंगा, समझ लो ये आपका सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सबरीमला इशू, इसके ऊपर आपका आर्गुमेंट आ सकता है। तो ये जो है आपका पेपर टू बुक का कंटेंट है, मैं आपको जो अभी दिखा रहा हूँ ये आप जो है पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे मैं परचेस का जो है लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, वहां पे जाके आप परचेस कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो सारे टॉपिक से जो हमने एक्सप्लेनेशन वहां पे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन सबरीमला इशू, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ये आपका हो गया फेवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ये फेवर है पूरा ये, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट दिया हूँ उसको एक्सप्लेन भी किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, अगेंस्ट भी दिया हूँ साथ में उसको एक्सप्लेन भी आपको करना है। कंक्लूजन ये आपका ओपिनियन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, ये आपको हो गया इंट्रोडक्शन, ये फेवर मतलब फेवर दिया हूँ, एक्सप्लेन भी किया हूँ, नेक्स्ट अगेंस्ट, नेक्स्ट फाइनली कंक्लूजन। इज इट क्लियर? सो ये आपका हो गया रिपोर्ट, सॉरी आर्गुमेंट राइटिंग। और फाइनल देखो रिपोर्ट राइटिंग, आपको टोटल 2 questions दिए जाएंगे, 2 questions विल बी गिवेन, नो चॉइस नहीं रहेगा कोई, वर्ड लिमिट आपका 200। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखो हेडिंग आपको देना है, समझ लो आपको कुछ भी इसरो अचीवमेंट्स के बारे में आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको हेडलाइन आपको इसरो अचीवमेंट्स नहीं डालना है, कुछ आपको घुमा के डालना है, ठीक है ना। आपको जो है हेडिंग चेंज करना है, से एज इट इज नहीं डालना, आपको ओन पे क्रिएट करके यहाँ पे डालना चाहिए। नेम आपका नेम मत डालो, ABC या XYZ डाल दो। प्लेस आपको डालना है, ऐसा समझ लो इसरो आपको आ गया, प्लेस डाल दो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। डेट, डेट आपको पता ना, मेंशन मत करो, XX डाल दो बस काफी है, ठीक है ना। या उसी दिन का जो है डेट डाल दो, 18 अगस्त 2018 2019। इज इट क्लियर? तो ये डेट आप मेंशन जो है कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, आप सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो या हेडलाइन, हेडलाइन या सब्जेक्ट, दोनों में से आपको कोई एक ही मेंशन करना है। इधर यू कैन मेंशन हेडलाइन और सब्जेक्ट, एनी वन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट ऑल मीनिंग एक ही है। तो आप हेडलाइन मेंशन करो या सब्जेक्ट मेंशन करो,
ठीक है, फाइनली आपका रिपोर्ट बन गया है, रिपोर्ट बॉडी में आ गया है। रिपोर्ट बॉडी में आपको 3 या 4 पैरा में आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और इसमें जो भी रिपोर्ट मतलब नथिंग बट फैक्ट्स, आपको इसमें पूरा फैक्ट्स डालना है, आपको ओपिनियन इसमें नहीं देना है। आपको ओपिनियन हो या सजेशंस हो या कंक्लूजंस हो, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको नहीं डालना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पूरा स्टैटिक डाटा होना चाहिए, जो ऑलरेडी हो चुका है उसी को बस यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है बस यहाँ पे आपको डालना है। इज इट क्लियर? जैसा कि आप रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक्स भी देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, तो ये सारे रिपोर्ट राइटिंग टॉपिक्स है। मैं आपको एक दिखा भी दूंगा, मतलब एक सैम्पल रिपोर्ट दिखा दूंगा। देखो ये हो गया आपका गगनयान मिशन करके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया प्रेस्टिजियस गगनयान मिशन, ये आपका हेडिंग हो गया। इज इट क्लियर? हेडिंग, उसके बाद आपको नेम एक्स वाई जेड प्लेस जो है इंडिया, इंडिया डाल सकते हो या दिल्ली डाल, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है आपका दिल्ली में है, तो यहाँ पे दिल्ली में डाल सकते हो। इज इट क्लियर? डेट जो है आपका मर्जी, एग्जाम का डेट डाल दो काफी है, ठीक है ना। देखो उसका उसके बाद मैंने जो है 3 पैरा में डिवाइड कर लिया है, गगनयान मिशन क्या है, कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, और का मोटो क्या है, वो कैसा लॉन्च होने वाला है, पूरा डिटेल्स में जो है यहाँ पे पूरा दे दिया, स्क्रीन के ऊपर दिया गया, आप पूरा नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लो आपको काम आए। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग, एंड आई होप कि सारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आपको जो है फॉर्मेट्स क्लियर हैं अभी। नहीं तो आप फिर से जो है रिवाइंड करके फिर से आप जो है वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सारा क्लियर है, क्योंकि मैं आपको जो है पीडीएफ में पूरा दिखा रहा हूँ, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आप ये पीडीएफ आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं आपको लिंक दिया हूँ, तो वहाँ से जो है आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए भी अलग से हमने ऐसे वहाँ पे दे दिया है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।